मेरा मनीष कश्यप पे NSA लगा दिया। मनीष कश्यप ने आपके लिए क्या किया है जो इतना आवाज उठाते रहते हैं कैमरे पे? बात करें वो सच्चाई को दिखाया। मीडिया का सबसे बड़ा हीरो था सन ऑफ बिहार इन मनीष कश्यप। NSA कैसे लगाया? वो अत्याचारी था, राष्ट्र को मारा था, राष्ट्र के लिए सुरक्षा के लिए वो बहुत बड़ी चूक कर सकते थे मनीष कश्यप, इसलिए NSA लगाया। क्या बात कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहा था बिहार का। नफरत फैला रहा है बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला इस बार लालू यादव है। एक खजाना लालू यादव ने लूटा, अब बिहारियों को हम लोग को नंगा किया, बिहारी मजदूर बना। तो लालू, एक सेकंड आराम से, आराम से। आपने सबसे ज्यादा कोई भी सराह माफिया कहीं पैदा हो रहा है तो वो बिहार में पैदा होते। शिक्षा माफिया पैदा होते तो बिहार में। आज देखो बिहार में भागलपुर का पुल बनाया था, चिड़िया उड़ तोता उड़, पुल भी उड़ गया। वही बिहार है ना जिसे मगध कहा जाता था, वही बिहार है जिसने दुनिया को नालंदा यूनिवर्सिटी दी थी, वही बिहार है जिसने अक्षर का ज्ञान, जीरो का ज्ञान दुनिया को कराया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया बिहार में कि बिहार के लोग देश दुनिया में भटक रहे, उनको अपने बिहार में दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। ए लालू यादव सुनो, अगर यही नीतीश कुमार चाहेगा ना तो तुम्हारी सरकार गिरा देगा। तुम बैसाखी की सरकार चला के एक गरीब और यूट्यूबर पे जो जाति ढा रहे हो, ये जनता जवाब जरूर देगी। मनीष कश्यप ने मर्डर किया था। मनीष कश्यप खाली, इसका गलती यही था कि मनीष कश्यप गरीबों का आवाज उठाता था। भाई आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप दो राज्यों में लड़वा रहा था, वो जो दो धर्मों में लड़वा रहा था उसका क्या? उसका क्या? जो सनातन धर्म का धज्जी उड़ा रहा था उसका क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ? सुदर्शन चक्र की तरह है वो, त्रिपुरारी तिवारी नाम है उसका, इसीलिए उसको फंसाया जा रहा है। यही अगर कोई यादव होता ना तो बच जाता। अभी बचा है ना संतोष यादव को, काहे नहीं पकड़ता ये सब जाकर के? दंगा भड़काता है कि नहीं भड़काता है? भड़काता है ना भैया, तो काहे नहीं जाता संतोष को पकड़ने के लिए, काहे नहीं जाता विकास राजू को मारने के लिए? मैं बिहार से हूँ और मनीष कश्यप जानते हो किसके आवाज उठाता था? मनीष कश्यप उठाता था गरीब बच्चों की, जिसके हाथ में बस्ता नहीं होता था, जिसके बस्ते में किताबें नहीं होती थी, और किताबों के उनके बस्ते में एक बोरा टाइप का होता था जो अपनी जमीन पे बिठा के वो बैठने का काम करते थे। सर्व करना चाहिए बिहार की सरकार को। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में मनीष कश्यप की गूंज अब तक शांत नहीं हुई थी कि मनीष कश्यप जेल के अंदर रहने के बावजूद भी फिर से फट गए, और इस बार ही उन्होंने कुछ ऐसे वक्तव्य सामने रखे हैं जिसे देख करके बिहार की जनता का होश उड़ चुका है। क्या है पूरा मसला? हमारे साथ इस मुद्दे पर रवि हिंदू बात करेंगे। रवि जी, आप खुद मनीष कश्यप के इतने बड़े प्रशंसक हैं, क्या लगता है ऐसा मनीष कश्यप में, ऐसा मनीष कश्यप ने इस बारी क्यों कहा? और इतनी सारी बातें जैसे उन्होंने बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठाए, नीतीश कुमार के ऊपर या फिर बिहार के प्रशासन के ऊपर, 2 स्टार 1 स्टार वाले पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठाए, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए मनीष कश्यप भाई हमारे जो भी बोले हैं वो एकदम सच्चाई बोला उन्होंने, क्योंकि जो आज उनके साथ जो हो रही है जेल में ये चीज बर्दाश्त के बाहर है। मैं कहना चाहता हूँ मनीष कश्यप भाई एक ईमानदार और एक गरीब की हक उठाने वाला पत्रकार था, लेकिन आज जिस तरीके, हाँ पत्रकार है भाई, वो यूट्यूबर है। यूट्यूबर है, हमारे लिए तो वो पत्रकार ही है। यूट्यूबर है, हम यूट्यूबर हो या पत्रकार हो, हमको उनको जो मानते हैं हम अपने दिल से उनको यूट्यूबर पत्रकार सब मानते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार की सरकार से कि बिहार की सरकार एक यूट्यूबर से इतनी डर गई है, इतनी डर गई है कि उसको गजेड़ी भंगेड़ी स्मैकियन सबके पास बैठा रही है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ जिस दिन हमारा मनीष भाई जेल से बाहर आएगा इन भ्रष्टाचारियों को जेल में ठूसेंगे। देखिए समय समय की बात है भैया, समय सबका बलवान होता है, समय सबका आता है। आज उनका समय है, एक गरीब पे जो वो जुल्म ढा रहे ये बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की जनता अब की बार ये बिहार की भ्रष्टाचारी जंगलवाद जो सरकार है इसको जमीन में दबा देगी। देखिए मैं बताना चाहता हूँ मनीष कश्यप भाई वो जो भी कुछ किए जाके तमिलनाडु में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अभी आपने देखा होगा न्यूज, कुछ भी जो बिहार के भाई मजदूर थे उनको अगवा करके ले गए तमिलनाडु में, उनके कितने चोटें आई है, कितना मारपीट हुआ है, ये कोई छुपी हुई बात है? मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ सबसे पहले एक्सक्लूसिवली इस खबर को कि बिहार के 6 मजदूरों को तमिलनाडु में फिर से मारा गया है, ये खबर सबसे पहले खबरें भारत पे दिखाई गई। अच्छा एक बात बताइए, बिहार के मजदूरों को मारा पीटा जाता है, उसके खिलाफ मनीष कश्यप जेल में डाल दिया जाता है, तो आपको क्या लग रहा है ये जो ये चीज़ ठीक है बिहार सरकार के द्वारा? और आप बिहार सरकार पे इतने जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बिहार सरकार ने क्या नहीं किया? वो कह रहे हैं हम खाली डेवलपमेंट, उनको तो नीतीश बाबू को तो कहा जाता है कि भाई साहब वो सबसे ज़्यादा प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले मुख्यमंत्री हैं। देखिए नीतीश बाबू ने सबसे ज़्यादा कोई भी सराह माफिया कहीं पैदा हो रहा है तो वो बिहार में पैदा होते, शिक्षा माफिया पैदा होते तो बिहार में। आज देखो बिहार में भागलपुर का पुल बनाया था, चिड़िया उड़, तोता उड़, पुल भी उड़ गया। तो भैया ये छुपी छुपाई बातें नहीं है। आज बिहार में देखोगे वही बिहार है ना जिसे मगध कहा जाता था, वही बिहार है जिसने दुनिया को नालंदा यूनिवर्सिटी दी थी, वही बिहार है जिसने अक्षर का ज्ञान, जीरो का ज्ञान दुनिया को कराया। लेकिन आज हमारा सुप्रीम कोर्ट भी, भाई सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा सवाल है, अगर मणिपुर में दो पत्रकार जाते हैं उनकी वजह से वहाँ पे हिंसा दंगा होती है मेतई और कुकी समुदाय के बीच, और सुप्रीम कोर्ट कहता है यूट्यूबरों को पूरा स्वतंत्रता है ये सब करने की। लेकिन वही बात जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो मनीष कश्यप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मामला हाई कोर्ट में जाके सुनवाई होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी दो बातें क्यों? एक कपिल सिब्बल कैसा आदमी है, ये पागल है कि क्या है, ये वकील लायक है ही। मेरा मनीष कश्यप पर NSA लगा दिया, मेरा मनीष कश्यप। अरे वकील को ऐसा होना चाहिए कि जो कि दोनों को देखे। NSA लगा दिया हम लोग का मनीष कश्यप प्रेस मीडिया पर। ऐसा मनीष कश्यप ने आपके लिए क्या किया है जो इतना आवाज उठाते रहते कैमरे पे? बात करें, वो सच्चाई को दिखाया, 72,000 करोड़ पुल उड़ा दे, गिरने का पहले ही वो बता दिया था। यही मनीष कश्यप है। आइए आप बोलते हैं मीडिया का सबसे बड़ा हीरो था सन ऑफ बिहार इन मनीष कश्यप। हाँ, अब बिहार को ये लोग बर्बाद कर रहा है। NSA लगाया, ये जो कपिल सिब्बल ये सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है, कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी NSA कैसे लगाया? मैं लड़ जाऊंगा केस अगर होगा तो। ये कपिल मनीष कश्यप के लिए, हाँ कपिल सिब्बल पर मैं लड़ जाऊंगा क्योंकि NSA कैसे लगाया? वो अत्याचारी था, राष्ट्र के लिए, सुरक्षा के लिए वो बहुत बड़ी चूक कर सकते थे मनीष कश्यप, इसलिए NSA लगाया। क्या बात कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहा था बिहार का, बिहारियों को सच्चाई दिखा रहा था। ये नीतीश कुमार क्या है, ये जातीय जनगणना करके ना बिहार को बर्बाद कर रहा है। जिस तरह से ये आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात। विश्वविद्यालय से एक लेख में आया था कि भारत विश्व का शेर है मगर लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ेगा? जातीय धर्म के चलते बिहार बटा हुआ है। ये जाति धर्म को चलते ये नीतीश कुमार हम लोग को बिहारियों को हजारों टुकड़ा में बंटना चाहता है। ये मेरी आर्थिक व्यवस्था कैसे बढ़ेगी? ये नफरत फैला रहा है बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला नीतीश कुमार लालू यादव है। एक खजाना लालू यादव ने लूटा, अब बिहारियों को हम लोग को नंगा किया, ये बिहारी मजदूर बना। तो लालू, एक सेकेंड, आराम से आप देख सकते हैं कि लोगों के भीतर नीतीश कुमार के प्रति कितना ज्यादा द्वेष उत्पन्न हो गया है, केवल और केवल इस कारण क्योंकि बिहार के एक पत्रकार को अरेस्ट करके उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया जाता है। और किस वजह से? क्योंकि वो सच्चाई की उम्मीद दिखा रहा था। जी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी भाई खड़े हैं अधिकतर हमारे भाई बिहार से बिलोंग करते होंगे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया बिहार में कि बिहार के लोग देश दुनिया में भटक रहे, उनको अपने बिहार में दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। कितनी बड़ी बात है, ये बिहार सरकार को चुल्लू भर पानी दूंगा, डूब के मर जाना चाहिए। और सुनो ए लालू यादव, सुनो, अगर यही नीतीश कुमार चालेगा ना तो तुम्हारी सरकार गिरा देगा। तुम बैसाखी की सरकार चला के एक गरीब और यूट्यूबर पे जो जाति ढारे हो, ये जनता जवाब जरूर देगी। और दूसरी चीज, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ, मनीष कश्यप पे इन्होंने NSA लगा दिया, लेकिन वहीं उसका लड़का जो है उदय निधि स्टालिन, उस पे क्यों नहीं लग रहा है NSA? सर मैं मोदी जी को 9 साल से जिता रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट तो देख लीजिए मेरा, ये बिहार का सर्टिफिकेट है। 9 सालों से जिता रहा हूँ मोदी जी को, गुजरात से, हाँ बनारस से लेकर गुजरात तक मैंने जिताया मोदी जी को। मोदी जी धर्म के साथ चलते हैं, ये अधर्म है राहुल गांधी कांग्रेस, जिसने यहाँ पर दिल्ली में क्या बनाया है नेहरू। ठीक है, अभी हमें सुनिए तो। अभी हमें मनीष कश्यप पे रहना है क्योंकि लड़ाई उनके हक। तो मनीष कश्यप के बारे में, तो मनीष कश्यप को बाहर लाके मुख्यमंत्री एकदम आराम से बनेंगे क्योंकि बिहार में 40 सालों तक लालू यादव और नीतीश कुमार ने राज किया। बिहारों में ये राज खत्म होना चाहिए, मनीष कश्यप को देना चाहिए, क्योंकि सच्चा ईमानदार मनीष कश्यप है। आप एक बात बताइए, मनीष कश्यप को लेकर के आपका क्या कहना है? बिहार में आपका फेस बहुत ज्यादा वायरल है, क्या कहेंगे कि मनीष कश्यप के साथ जो कल हुआ, क्या कहेंगे? भाई साहब, मनीष कश्यप लास्टली एक ही बात बोला कि हम चारा चोर के बेटा नहीं, सैनिक के बेटा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके दादा भी चीन से लोहा लेते हुए उनका शहीद हुए थे, ठीक है। तो एक चारा चोर का बेटा नहीं है जिसके वजह से सजा मिल रहा है। बिहार में पता है किसको सम्मान मिलता है? जो चारा चोर का बेटा रहता है, जो चारा चोरी करेगा, जो 9वीं फेल रहेगा, जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आएगा, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आएगा, वो वहाँ का विधायक और पर्यावरण मंत्री बन जाता है, ठीक है। मनीष कश्यप जो सही काम करता है उस पर NSA का एक्ट लगा दिया गया है आज की डेट में। सही काम के वो तो दो राज्यों को लड़वा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, हाईकोर्ट ये कहता है। अच्छा ठीक है, दो राज्यों को लड़वा रहे थे, चलिए मान लिया आपका बात। जो उस पे NSA लगाया है एमके स्टालिन, उसका बेटा क्या बोला है? पूरा सांप्रदायिक हिंसा भड़काया है कि नहीं, सनातन धर्म को खत्म करेंगे, उसके ऊपर कौन सा NSA लगा? तो जब उस पे नहीं लगा तो मनीष कश्यप क्यों नहीं लगा? क्यों लगा? क्योंकि वो त्रिपुरारी तिवारी है ना, मतलब तिवारी का मर्डर किया था भाई, मर्डर किया था मनीष कश्यप, मनीष कश्यप को मर्डर किया था मनीष कश्यप। खाली इसका गलती यही था कि मनीष कश्यप गरीबों का आवाज उठाता था भाई, ठीक है। गलती गरीबों का आवाज उठाना बता रहे, लेकिन सरकार उनकी गलती ये बता रही है कि दो राज्यों के बीच में लड़वा रहे थे। बस इस बार चुनाव होने दीजिए ना भैया, बस चुनाव होने दीजिए, पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप दो राज्यों में लड़वा रहा था, और ये क्या नाम है, स्टेरिंग, ठीक है। वो जो दो धर्मों में लड़वा रहा था उसका क्या, जो सनातन धर्म का धज्जी उड़ा रहा था उसका क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ? काहे नहीं जाके चला गया वो तेजस्वी यादव, काहे नहीं चला गया नीतीश कुमार, काहे नहीं गया? इसे चले जाएंगे इंडिया अलायंस के। अरे भैया इंडिया मत बोलिए भैया, पहली बात, ठीक है। वो गठबंधन है, ठगबंधन, ठीक है। देखिए जब दल से दल मिलता है तो बनता है दलदल, क्या बनता है? दलदल। और दलदल में क्या खिलता है? कमल, ठीक है। उसके बाद वो इंडिया नहीं है, IND.D.I.A, और लास्ट में ये डॉट नहीं। सबसे बड़ा डाउट है कि इनका दूल्हा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा। अच्छा मनीष कश्यप, आपको क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल पाएंगे? जिस प्रकार से उनको फंसाने का प्रयास किया, चाहे आप कितना भी फंसा लीजिए भाई, वो निकलेंगे। उनका चक्रव्यूह आप नहीं चलवा सकते हैं किस पे, ठीक है। सुदर्शन चक्र की तरह है वो, त्रिपुरारी तिवारी नाम है उसका, ठीक है, त्रिपुरारी तिवारी, इसीलिए उसको फंसाया जा रहा है। यही अगर कोई यादव होता ना तो बच जाता। अभी बचा है ना संतोष यादव को, काहे नहीं पकड़ता ये सब जाकर के? दंगा भड़काता है कि नहीं भड़काता है? भड़काता है ना भैया, तो काहे नहीं जाता संतोष को पकड़ने के लिए, काहे नहीं जाता विकास राजवा को मारने के लिए? खाली टारगेट करेगा किसको? खान सर को, जो मनीष कश्यप को, यही लोग को, ठीक है, और कुछ नहीं है। रविश कुमार बोलता है कि बहुत बड़ा मैं पत्रकार हूँ। वो कैसा पत्रकार है जो कि पत्रकार जेल में गया है, NSA लगाया है, उस पर क्यों नहीं है रविश कुमार मानता है? ये लोग प्योर कांग्रेसी नेता है। आप बताइए मनीष कश्यप को लेकर के आपका क्या थॉट है? मैं उसी बिहार की पावन धरा से आता हूं, जिस पावन धरा ने मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को जना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, वो मनीष कश्यप उस जेल से, जब वो जेल के पीछे है तो वहाँ से जब गरजता है ना तो अपनी माँ से कहता है, माँ तेरे आंखों से आंसू बहा, मैं हजारों माताओं के आंखों से आंसू पोंछने का काम करूँगा। और कहता है मेरा बाप चारा चोर नहीं है, मेरा बाप देश के लिए लड़ा है, उसका बाप देश के लिए लड़ा है, और जिसके खिलाफ वो लड़ेगा उसका बाप चारा चोर है। और मनीष कश्यप यह भी कहता है कि नीतीश कुमार, सरकार चलाना किसे कहते हैं, हम दिखाएंगे तुम्हें सरकार। ये बातें कह रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है बिहार की सरकार से? बिहार में आपको पता है ना नारा क्या लगता है कि आइए ना यूपी बिहार में ठोक देंगे कट्टा कर। बिहार से हूँ, और मनीष कश्यप जानते हो किसके पास उठाता था? मनीष कश्यप उठाता था गरीब बच्चों की, जिसके हाथ में बस्ता नहीं होता था, जिसके बस्ते में किताबें नहीं होती थी, और किताबों के उनके बस्ते में एक बोरा टाइप का होता था जो जमीन पे बिठा के वो बैठने का काम करते थे। सर्व करना चाहिए बिहार की सरकार को। जब छत टपकता है बच्चों के, जब जहाँ बच्चे बैठते हैं स्कूल का छत पानी से टपकता हो, उसकी आवाज उठाता था वो। ये चीज़ तो खैर मैंने भी अपने, जब मैं 1 महीने की बिहार यात्रा पे था उस वक्त मैंने भी देखा था कि चारों तरफ स्कूलों का हाल क्या है। खैर मनीष कश्यप को लेकर के जिस प्रकार से अभी जो भी थॉट्स यहाँ की जनता ने प्रेजेंट किया, आपके हिस्से की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।